सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलीन। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को बताया था इस पे इंडिया पोर्टल को कैसे यूज करना है, और उस वीडियो के नीचे काफ़ी सारे कमेंट आए थे और काफ़ी लोग ये जानना चाह रहे थे इस पोर्टल को हमने फ्री में कैसे ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में फुल डिटेल्स में बात करेंगे इस पोर्टल को आप लोग फ्री में कैसे परचेज कर सकते हैं, यानी कि आईडी और पासपोर्ट कैसे ले सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, इस पे इंडिया पोर्टल कैसे यूज करना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर आप चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग सीख सकते हैं कि इस पे इंडिया पोर्टल कैसे यूज करना है। और आप लोग इस पे इंडिया पोर्टल आप लोगों को फ्री में चाहिए तो कैसे ले सकते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, भाई ने एक कमेंट किया था उस पर और वो जानना चाह रहे थे भाई अगर इस पे इंडिया पोर्टल से हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं या फिर रिचार्ज करते हैं तो पेमेंट फंसता तो नहीं है। तो भाई देखो, यदि सर्वर की इशू होता है तो कभी कभी पेमेंट होल्ड पे आ जाता है, लेकिन वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 4 मिनट तक आप लोगों को वहाँ पर रिफ्रेश करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यदि पेमेंट अगर प्रोसेस में होगा तो वहाँ से आपको ऑटोमेटिक जैसे ही रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट आपको फेल्ड हो जाएंगे, और इसके बाद वो पेमेंट आपको कुछ ही टाइम में आप लोगों को पोर्टल में रिफंड मिल जाएंगे। पोर्टल में यही खासियत है, आप लोगों को पेमेंट काफ़ी टाइम के लिए नहीं फंसता है। और ये पोर्टल आप लोगों को फ्री में चाहिए तो कैसे मिलेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को इंस्टाग्राम पर आप लोग DM कर सकते हैं, या फिर मैं एक ईमेल ID भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से मेल करके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग फ्री में इस पे इंडिया पोर्टल ले सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो आप लोग जब हमें DM करोगे तो मैं वहाँ पे आपको फुल डिटेल्स में बता देंगे, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, वहाँ पे भी आप कॉल करके वहाँ से आपको डायरेक्ट पोर्टल का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ से आप लोग पोर्टल ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ गए होंगे इस पे इंडिया पोर्टल कैसे यूज करना है और इस पोर्टल को फ्री में आप लोग कैसे परचेज कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।